देखो मैं आ गई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, सब खाओ, ये बहुत ही हेल्दी है। इसे खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। देखा देखा, जली जली इसकी जली, तुम्हें तो मैं नहीं दूंगी। चलो चलो, तुम हमेशा तैयार रहते हो। देखो देखो, जरा उसे तो देखो, मैंने उसे नहीं दिया, मेरे पीछे आ रही है। सनम, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मजा आ जाएगा। लगता है उसके फ्रेंड को पसंद आए है ना। ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ डेरन, कैसे रही मीटिंग? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में, मैं आता हूँ। हाँ जल्दी ही आ रहा हूँ। सनम मुझे जाना होगा, मीटिंग याद है ना, वो चिकन कैंपेन वाला, उसका प्रेजेंटेशन। वैसे तुम शॉप कब बंद करने वाली हो सनम? गुड, तो मैं शाम को घर पर आता हूँ। ओके बाय। घर पर मिस्टर जान? चलो अब मैं भी चलती हूँ, चलो मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ? ये मेरे दोनों कानों को क्या हो गया है, ये मेरे कानों को क्या हुआ है? मिस्टर एमरे, अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो हम कहीं और चले। नहीं कोई बात नहीं। सनम, क्यों किया ऐसा, रिजाइन क्यों कर दिया? फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बदनाम नहीं करूंगी। मैंने मिस्टर जान के साथ बात करनी शुरू की, लेकिन मैंने उस बात को पूरा नहीं किया उनके फोर्स करने के बावजूद भी। फोर्स करना मतलब? उसको शक तो नहीं हुआ? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी शॉप पर मुझसे ये पूछने आए थे कि मैंने रिजाइन क्यों किया है। आप प्लीज उन्हें कहिए कि वो ऐसा ना करें। मैं समझ सकता हूँ, उससे बात करूंगा। और सनम, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अगर आपको कुछ करना ही है तो आप और आपके भाई मुझसे दूर रहे, मुझे भूल कर भी कॉल ना करें, ना मुझसे मिले, बस इतना कीजिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, एक आखिरी बात, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या आपने आपके भाई के खिलाफ ये सब क्यों किया, क्या आप मुझे बताएंगे? ये नई बात नहीं है, जब भी मैं कोई चीज हासिल करना चाहता हूँ तो मैं कभी कामयाब नहीं हो पाता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे डैड जान का फेवर लेते हैं। ये बड़ी बड़ी लंबी कहानी है, क्या बताऊं। मैं अपने डैड से बात करूंगा जब वो वापस आ जाएंगे। और रही बात जान की, तो वो ये छोड़कर कभी भी जा सकता है, मैं सही वक्त देखकर रिजाइन कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे भी ये सब। आपको यकीन है मिस्टर जान चले जाएंगे? उसके पास रुकने का कोई मकसद भी तो नहीं है। सच कहूं तो वो ज्यादा देर कहीं नहीं रुकता, बहुत अलग इंसान है वो। उसको जो चाहिए वो हासिल करता है, और हर कोई उसके आस पास रहना चाहते हैं, लेकिन उसे कोई भी अपने इर्द गिर्द नहीं चाहिए होता है। और फिर किसी दिन वो निकल चुका होगा बहुत दूर। I'm really sorry. अब मैं चलता हूं। सनम क्या बात है, समंदर किनारे चले? हाँ, मूजो को भी बुला लेते हैं, उसकी बेवकूफी भरी बातों में बड़ा मजा आएगा सच में। मैं समंदर के किनारे ही थी। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो सनम, मैं मानती हूँ कि ये सब मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैं वही थी, मैं जैसे ही अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। मैंने मिस्टर एमरो को कह दिया है कि मिस्टर जान को मुझसे दूर रखे। अच्छा, तो वो तुम्हारे लिए पागल है? अयहान, मुझे लगता है कि वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा। तुम्हें ऐसा लगता है सनम? अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछता? कहीं वो उन धोखेबाज लड़कों में से तो नहीं जो लड़की को अपने प्यार में फंसा ले और फिर भाग जाए? हो सकता है कि इसमें उसकी कोई साजिश हो और प्यार करने का नाटक कर रहा हो। हो सकता है, लेकिन अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, थोड़ी कंफर्टेबल हो रही हूँ। हाँ, सब भूल जाओ, जाने दो। अरे बाप रे, मिस्टर जान! अरे ये तो यहाँ आ गया। अयहान,
अयान तुम उसे ऊपर आने मत देना। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं, मैं कुछ करती हूँ। पर मैं उसे ऐसे नहीं रोक सकती। अरे कैसे हैं आप? अंदर आइए ना प्लीज। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, और आप? गुड टू सी दैट। सनम है क्या? हाँ हाँ है ना, घर पर ही है। मैं अभी बुलाती हूँ। उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, आप उसे बुला दीजिए। हाँ ठीक है। सनम, सनम, देखो देखो, मिस्टर जान तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो मिस्टर जान? आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह स्टाइल में हो। हाँ काफी स्मार्ट लग रहे हो। वैसे सनम घर पर नहीं है, जल्दी जाओ और सनम को बुलाओ। जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ और जल्दी बुला लेते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पर ऐसे खड़ी रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इंतजार करता हूँ, आप प्लीज जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। इट्स ओके। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो संभाल कर जाइएगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू सर। कौन है? सनम मैं हूँ, दरवाजा खोलो, मिस्टर जान इंतजार कर रहे हैं। नीचे मत जाओ, मेरे लिए दरवाजे पर इंतजार करो, मैं भागती हूँ। क्या कह रही हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सनम खोलो। सनम, सनम दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हो गया इसे? पता नहीं वो जवाब क्यों नहीं दे रही, और ये अंदर से लॉक भी है। देखिए दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। सनम, सनम दरवाजा खोलो। सनम, ब्रिलियंट, अमेजिंग, अमेजिंगली ग्रेट, तुम तो ऑसम हो यार। जूते वहां है, चलो जूते पहन लो, आ जाओ। कमाल हो, चलो चलो पहन लो। अरे कार वहां पर है, उधर उधर। मैं और मेरी बहन बचपन में ऐसे ही भाग जाते थे आराम से, और फिर खिड़की से एंटर करते थे। मेरा बचपन तो ऐसे ही था, आपका कैसे था? तुम गेस कर सकती हो, मैं बहुत हाइपर एक्टिव था। मैं तो अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था। मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर जान, आप यहां क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, पता नहीं है, पता नहीं तो फिर तुम क्यों आई हो सनम? तुम मेरे घर क्यों आई थी आधी रात को? फिर एक बार जंगलों में कई किलोमीटर तक तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? और तुम हमेशा मेरे साथ चल क्यों देती हो जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं? पता नहीं,
पता नहीं तो फिर मुझे बताने दो। इसकी वजह है क्योंकि तुमने कभी जानने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हें यह करना है कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है। पता नहीं। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। लेकिन तुम इस वक्त क्यों रो रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सनम, तुम आखिर इतने इनोसेंट क्यों हो ये बताओ, क्यों हो? सनम, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पता नहीं। बस इतनी सी बात, अब तुम टेंशन मत लो सनम। चलो अब जाने दो, इतनी इमोशनल मत बनो। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, ठीक है? तुम बताओगी? तुम उसको बताओगी कि तुमने क्या किया है? उसके घर में एक चोर की तरह घुसकर उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ये सब लाने वाली बात तुम बताओगी उसको? क्या होगा बताकर? सनम, सनम रुको जरा, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है सनम। मिस्टर जान छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम, तुम आखिर क्या चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप? आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते ही कितना है। सनम, ये कोई मजाक है क्या? या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो। सनम, प्लीज ध्यान से सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुको? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ मैं क्या करूं। मॉम, क्या हम कल बात कर सकते हैं? नहीं, अभी बताओ मुझे। सनम, सनम क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कहीं कोई सीरियस बात नहीं है ना? कुछ भी तो सीरियस नहीं है। क्या हुआ, तुम मिस्टर चांस से मिली थी, वो तुमसे गुस्सा हुए, उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ नहीं मॉम, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे बताओ ना, बहुत टेंशन हो रही है, बताओ ना। मॉम, मैं हर बात आपको नहीं बता सकती, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, बस। आप अगर खामोश रहेंगी तो अच्छा होगा, आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, ठीक है, पर ऐसे रो मत प्लीज। मॉम, मैं वहां काम करने नहीं जाना चाहती। ठीक है, ठीक है, नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अ
अकेला रहने दो मॉम। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जा। क्या हुआ सनम? प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। आज बहुत सारी बुरी बातें हुई। मिस्टर जान को पता चल गया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और आज वो मुझसे ये उगलवा भी ले। हाँ तो तुम्हें बताना चाहिए था। वो तुमको लेकर कितना पॉसेसिव है पता है? उसे तुम्हारी फिक्र होती है। आज मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। मैंने उनसे झूठ कहा, मैं सच भी बोल सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं दिखेंगे और मैं उन्हें बिना देखे कैसे जी पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पल के लिए लगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने कहा खुद से कन्फेस कर लो, जानते भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है, हैंडसम है और होशियार भी है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ये नहीं कर सकती। मैंने उनके साथ क्या किया है? उन्हें जलील करने की कोशिश की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, वो डॉक्यूमेंट चुरा के। ये सब मैं उन्हें कैसे बता पाती और क्या वो मेरी बात का यकीन करते? मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिससे झूठ से सख्त नफरत है। ये प्यार व्यार सिर्फ परिकथाओं में होता है, असल जिंदगी में तो रोना पड़ता है। अब ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। लो अपना आंसू पोछो। अयान मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी सनम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एक बात बोलूं, सच्चा प्यार वो होता है जो दूर रहकर भी रिश्ते को मजबूत रखता है। देखो तुम परेशान मत हो सनम, तुम भी उसे ऐसे ही प्यार करना सीखो, फिर तुम्हारी जितनी सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और फिर से तुम ऊंची उड़ान भरोगी। तो अब तुम्हें इन सब से उबर कर आना ही होगा। तुम सही कह रही हो यान, मैं इन सब से बाहर निकल जाऊंगी। और तुम इस इंसान को मिस्टर कैसे कह सकती हो जिससे प्यार करती हो? क्या बकवास सवाल किया है तुमने सनम। मिस्टर जान, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जैसा भी है एक बहुत ही अच्छा इंसान है और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ, क्या बात है। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई, चिपटो एहान, जाने दो उसे, भूल जाओ, तुम उड़ान भरने की सोचो। बिल्कुल एक पंछी की तरह, देखो अच्छे लग रहे हैं ना उड़ान भरते हुए। सनम, सनम उठो जरा, मुझे तुम्हारी मम्मी को हर 10 मिनट की रिपोर्ट देनी पड़ती है। उठो ना सनम प्लीज। अयान मुझे मेरे डिप्रेशन के साथ रहने दो। अरे यार अब ऐसे क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? इतनी गर्मी में कोई ब्लैंकेट ओढ़ के सोता है क्या? कुछ अलग करो, कुछ स्पेशल करो, ये सब तो लोग डिप्रेशन में करते रहते हैं। अयान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मिस्टर जान को देखना है। पता नहीं मैं उनके बगैर कैसे जी पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी अयान। पर तुम तो उसे देख सकती हो ना, बस सोशल मीडिया में जाओ, उसका फोटो चेक करो, उसे फॉलो करो। अयान तुम कितनी प्यारी हो। ये कैसी आवाज है? अयान हाँ, कहीं हम इसे जान तो नहीं? देख अब मैं देखती हूँ, लेकिन मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ और खुद देखो, वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम एक दूसरे को देखते रहो और बातें करो। ठीक है मैं देखती हूँ। मिस्टर जान, मिस्टर जान आए।
सनम, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि एक रात भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाया। मैं भी। अच्छा तुम भी? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं भी रात भर सो नहीं पाई, पछता रही थी कि मैंने आपको क्यों नहीं रोका। तो कहीं चले साथ में? कहां? कहीं भी। दोबारा कभी छोड़कर मत जाना बस। गुड मॉर्निंग सनेम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मिसेस मेलाहत ने कहा कि तुमने अपना जॉब छोड़ दिया और फिर से पड़ोस में रहने आ गई हो। मैं बता नहीं सकता सनेम कि मैं कितना खुश हूँ। मन कर रहा है कि मैं आग लगाऊं और उसी में कूद जाऊं। तुम्हें देखकर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेलिब्रेट कैसे करूं। ऊपर से नीचे तक मैं खुशी में डूबा हुआ हूं। ये लो पत्थर लो। जबरदस्त, तो तुम पत्थर क्यों फेंक रहे हो? जबरदस्त, मुझे फूल नहीं मिले इसलिए पत्थर से स्वागत कर रहा हूं तुम्हारा। वेलकम होम। खूब जबरदस्त जबरदस्त। अरे कहाँ चली गई सनेम? बाहर आओ सनेम। अरे बेवकूफ आदमी, तुम मुझे क्यों पत्थर मार रहे हो? मुझे लग गया, देखो मैं जख्मी हो गया, मुझे खून भी निकलेगा अभी थोड़ी देर में। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है? इस दुनिया को मेरी कितनी जरूरत है? क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा इलाका, मैं पत्थर फेंकू या फूल फेंकू तुमसे क्या? मेरी गलती नहीं, तुम बीच में आए। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से निकल लो वरना पत्थर फेंके दूसरी आग भी लाल कर दूंगा। मेरी बात सुनो भाई, मैं सनेम के ऑफिस का दोस्त हूँ और उसे लेने के लिए आया हूँ, और मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास रहती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सनेम अब काम नहीं कर रही है, मुझे पता चला है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। अब वो पूरा वक्त अपनी फैमिली के साथ रहेगी और अपने मोहल्ले वालों के साथ वक्त बिताएगी। और ये भला कैसी कंपनी है? कभी बॉस आ जाता है तो कभी एम्प्लॉय आ जाता है। क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो मेरी सनेम के? तुम्हारा इस सबसे क्या लेना देना है? सनम, जेजे यहाँ आया है। जेजे? लेकिन वो क्यों? वो क्यों आया है यहाँ? क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तुम मुझे हाथ लगा रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। देखो ऐसे छूने से मुझे कुछ नहीं होने वाला, वो मेरी पड़ोसी है समझे। निकलो यहाँ से और उसे परेशान करना बंद करो समझे। देखो यार मुझे जाने दो, मेरे रास्ते से हटो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। ये लो फिर से टच किया तुम्हें। तुम फिर से मुझे हाथ लगा रहे हो। उफ यार, ओ जीजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों में क्या चल रहा है? अरे वो आयान, तुम भी यही हो। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया इत्तेफाक है, तुम भी मुझे यही मिल गई। बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।